Okay, so hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. So guys, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में guys, मैं आप सबको सिखाने वाला हूं कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट. एंड देखो जैसा कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला. तो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना. और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि यार आप सभी के लिए अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आते रहते. तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो. एंड गाइस इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड पेज इसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो. बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं. तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को. फिर गाइस आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है यहाँ से ऐड फोटो में. ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो है आप सभी को पहले अपने मॉडल को ऐड करना है. ठीक है. एंड मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आप सभी कुछ स्टेप से अपने मॉडल को करना है. एंड गाइस मॉडल को जो है आपको मैं पहले यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ. ठीक है. आपको भी इसी साइड में रखना अपने मॉडल को या फिर आप उस साइड भी रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो आप जैसा मर्जी चाहो रख सकते हो. एंड गाइस उसके बाद आपको जो गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद आप सभी को जाना है दोबारा से ऐड फोटो में. ठीक है. दोबारा से ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को लेना है ये वाला पीएनजी. तो उसको मैं यहाँ पर सिंपली ऐड करता हूँ. एंड गाइस इस पीएनजी को लेने के बाद गाइस आप सभी को कुछ स्टेप से फुल स्क्रीन कर देना है. ठीक है. फुल स्क्रीन कर देना है पहले. एंड उसके बाद आप सभी को साइज जो है फिर उसके बाद अपने मॉडल का यहाँ पर रखना है. पहले तो इसको मूव डाउन कर देना है. एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को मॉडल को लेना है. मॉडल को लेने के बाद गाइस आप सभी को फिर कुछ इस टाइप से आपको थोड़ा देखना है. गाइस देखिए यहाँ पे जो आपको लास्ट में जो ये नीचे की तरफ जो वाले ऑप्शन दिख रहे हैं गाइस इसके नीचे आप सभी को अपने मॉडल का जो फोन है उसको वहाँ पे रखना है. ठीक है. कुछ इस टाइप से तो मैं इतना रख लेते हैं. एंड इतना ही हाइट आप सभी को फिर रखना है. ठीक है. जितना मतलब कि जब आप उसको वहाँ पे लगा दो पीएनजी के पास अपने मॉडल को तो उसके बाद आपको जो हाइट जितना आएगा उतना ही रखना है. ठीक है. इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को सिंपली यहाँ से जाना नीचे स्क्रॉल करना है. आपको थोड़ा सा इसका कलर एडजस्टमेंट कर लेना है. ठीक है. तो जैसे कि हम गाइस फोटो की ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं. एंड गाइस फोटो को ब्राइटनेस को कम करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा शेडो. आपको शेडो थोड़ा सा कम कर देना है क्योंकि गाइस डार्क फोटो होने वाली है हमारी, तो उसमें थोड़ा शेडो हमें कम करना पड़ेगा. एंड उसके बाद गाइस आपको जो सैचुरेशन दिख रहा है जिसमें थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस कर देना है. ठीक है. कुछ इस टाइप से. एंड इतना कर देने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, कर देना डन. ठीक है. इतना काम हमारा हो चुका है. अब गाइस क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब जाएंगे गाइस दोबारा से ऐड फोटो में क्योंकि थोड़ा पार्टिकल्स का पीएनजी लेना है तो वो भी ले लेंगे हम यहाँ पे. तो ऐड फोटो में जाएंगे एंड ऐसे पार्टिकल का पीएनजी ले लेंगे. सो कुछ इस टाइप से. एंड गाइस इस पीएनजी को लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना, आपको पहले फुल स्क्रीन करना है. एंड उसके बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ब्लेंडिंग मोड. आपको पहले इसको स्क्रीन कर देना है. एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रोटेट करना है. एंड गाइस जो जिस जगह पे आपको ज्यादा पार्टिकल्स दिखेगा उस टाइप उस जगह पे आपको कुछ इस टाइप से ऐसे पीएनजी को लगाना है. एंड इरेजर टूल में जाना है, आपको इरेजर लेना है, साइज बड़ा करना है. एंड उसके बाद फोटो को कुछ इस टाइप से ऊपर का जो एरिया है इसको वहाँ पे आपको इरेज कर देना है कुछ इस टाइप से. ठीक है. कुछ इस टाइप से इरेज कर देना है. तो गाइस देखिए काफी परफेक्ट लग रही है हमारी फोटो यहाँ पे. अभी इसको हम यहाँ पे डन करते हैं. एंड गाइस अभी इसमें थोड़ा सा ग्लोइंग डालना, ग्लोइंग इफेक्ट. तो उसके लिए करेंगे हम जाएंगे से टूल्स में. टूल्स में जाने के बाद गाइस आपको इसका ब्राइटनेस बढ़ा देना है. ठीक है. एंड जो गाइस ग्लोइंग होगा वो हम डालेंगे अपने उन जो पीएनजी लगाई थी हमने उसके ऊपर. तो गाइस आपको कुछ इस टाइप से आपको ब्रश लेना है एंड साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है. एंड गाइस उसके बाद आपको ऊपर के जितने भी ऑप्शन है सब पे आपको ग्लोइंग इफेक्ट डाल देना है. सो गाइस जितना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, इसकी जो ओपेसिटी होगी गाइस वो आपको अपने हिसाब से रखना है. ठीक है. आपको मतलब कि जितना आप रखना चाहो उतना रख सकते हो. एंड गाइस अगर आप इसको 33 तक कुछ भी रखोगे तब भी गाइस इसका ग्लोइंग इफेक्ट जो है परफेक्ट लगेगा. बाकी गाइस जब हम इसमें कलर रिटच करेंगे तब तो हमारी एकदम फोटो एकदम परफेक्ट हो जाएगी. बट अभी तो हमने इतना कर दिया था. अभी हम इस फोटो को यहाँ पे सेव करते हैं एंड इसको रिटच करते हैं लाइटरूम ऐप में. तो अभी हमने इसको लाइटरूम ऐप में ऐड कर लिया है गाइस. आप सबको क्या करना, आप सबको गाइस जाने स्लाइड वाले ऑप्शन में. लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है. आपको हाईलाइट है जो गाइस इसका थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है हल्का सा. ठीक है. एंड उसका जो शेडो दिख रहा है गाइस आप सबको शेडो को आपको यहाँ पे कम करना है. ठीक है. शेडो कम करना है ताकि जो आपकी मॉडल है वो बैकग्राउंड से मैच हो जाए. एंड उसके बाद आपको ब्लैक मिलेगा आपको उसको कम करना है. एंड व्हाइट है जो उसको भी थोड़ा कम कर देना है. फिर जाना आपको यहाँ से गाइस कलर्स वाले ऑप्शन में आपको जो फोटो का वाइब्रेशन दिख रहा है आपको गाइस इसको बढ़ा देना है. एंड गाइस टेम्परेचर है जो उसको हल्का सा कम कर देना है. ठीक है. ताकि फोटो में थोड़ा ब्लू टोन आ जाए. फिर जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है. इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है. एंड इसके बाद थोड़ा सा ल्यूमिनस बढ़ा देना है इसका. ठीक है. कुछ इस टाइप से. एंड गाइस जितना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप सबको ऐसे जाना डार्क ब्लू में इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है. अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो माइनस कर देना, अगर चाहिए हो तो प्लस कर देना. फिर गाइस आपको इसका जितने भी कलर्स बाकी बचेंगे उन सबका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है. ठीक है. क्योंकि हमें वो कलर नहीं चाहिए. इतना करने के बाद आप सबको इसको डन कर देना है. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना, आपको जाना इस वाले ऑप्शन में. आपकी फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको बढ़ा देना है. एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना अपने अकॉर्डिंग. एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है. एंड जाना गाइस इसके नीचे वाले टूल में. फिर गाइस आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस को इंक्रीज कर देना है. एंड गाइस यहाँ पे मिलेगा आपको नोट रोक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है. एंड इसमें मिलेगा आपको कलर नोट रोक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है. तो गाइस आप फाइनली देख सकते हो गाइस फोटो का रिजल्ट है जो आप सभी के सामने है. तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाकी चले गए मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.